तार अगर आप ज्यादा हो, लेकिन साथ में इंशाल्लाह ये बिल्कुल वाइट होता है इस ब्रेड सस्ते ये। अस्सलाम वालेकुम, कैसे नहीं सब भाई, ठीक है? काफी दिन से कोई वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा, थोड़ा बिजी था, अब मेजी हो गया हूँ। सबको बताया सीजन चल रहा था फ्रेश वाटर का, तो फ्रेश वाटर में आपको पता है जितनी भी मछली है वो आप जो मर्जी आटा लगा लें उस पर लग जाती है। मेरे जितने भी शिकार हुए हैं 6 से 7 शिकार मैंने किए हैं, साथ साथ मैं आपको बताता रहा हूँ कि मैं कीड़े पे गेम करता रहा हूँ और वाइट आटे पे जो बॉयल आटा मैं बनाता हूँ, लिंक मैं उसका दे दूंगा जिस पे गेम किए हैं। तो फ्रेश वाटर पे मछली ताजी होती है, हर बंदे को लग जाती है, कीड़े पे भी लगती है, सिंपल आटे भी लग जाती है, इसलिए हमने कोई फार्मूला यूज ही नहीं किया अभी तक, ठीक है? सिंपल चीजों पे जब मछली लग रही हो तो फिर आपको चाहिए कि ज्यादा तजर्बे ना किया करें। अब सबको पता है 10वां महीना स्टार्ट हो गया, आज 10 तारीख है, सॉरी 12 तारीख आज। तो जो भी सिस्टम है अभी तरीके के साथ आपको एक नई बेट के साथ स्टार्ट करेंगे इस सीजन को। तो हर बंदा मुझे मैसेज कर रहा था इन दिनों के कोई बेट बताएं, बेट बताएं। तो मिक्ता भी चीज बताता हूं जब उसका सीजन होता है। अभी एक बेट बताने लगा हूं मैं आपको, जिसको आर राउंडर, जिसके ऊपर आपको चाइना भी लगेगी, नरेन भी लगेगी, रो भी लगेगी, ठीक है? मतलब कि आर राउंडर बेट है, इसको आप इस सीजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ चीजें भी बताऊंगा आपको, विद नाम बताऊंगा, क्वांटिटी भी बताऊंगा कितनी रखनी है आपने, ताकि आप भाइयों को कुछ समझ भी आए चीज की, ठीक है? वीडियो पूरी देखा करें क्योंकि बहुत से भाई मुझे बाद में मैसेज भी करते हैं, नंबर में आपको मेंशन कर देता हूँ, ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप का, और कोशिश किया करें व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज छोड़ दिया करें। जब मैं इजी होता हूँ तो मैं सब भाइयों को जवाब देता हूँ, मैं एकदम से किसी को रिप्लाई नहीं कर सकता, थोड़ी मसरूफियत होती है दुकान की, ठीक है? तो चले चीजें बताना स्टार्ट करते हैं आपको। सबसे पहले जो इस पे मेन चीज है वो है बादाम की खल, ठीक है? बादाम की खल लेते हैं, आलमोंड स्ट्रॉ, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको। तो ये मैं कोई भी सांचा ले लें जिसमें आप इसको अच्छे तरीके से पैमाना, जिस पे आप नाप सके इतना ले लें, कोई भी कप ले लें जो भी आपको अवेलेबल चीज हो, ठीक है? ये आपने 2 कप लेना है, कोई भी चीज है ना क्वांटिटी याद रखें। ये मैं साथ साथ इसलिए आपको प्रैक्टिकल करके बता रहा हूं कि आपको कोई मसला ना हो चीज का, ठीक है? जो भी चीज मैं आपको बताऊंगा साथ में इसकी पिक्चर भी अपलोड कर दूंगा, साथ मेंशन कर दूंगा, नाम लिख लूंगा, क्योंकि मेरे माशाल्लाह भाई काफी दूर दूर से देखते हैं, इंडिया से भी भाई हैं, बांग्लादेश से भी हैं, पाकिस्तान से भी हैं। तो मैं कोशिश ज्यादातर मेरी होती है मैं हिंदी भी यूज करूँ, उर्दू भी यूज करूँ, ठीक है? तो ये आपके लिए पिक्चर इसलिए मैं दे देता हूँ कि आप भाइयों को चीज की समझ आ जाए, बाकी जिसको ना समझ आए वो कॉमेंट्स बॉक्स में आ जाए तो मैं इंशाल्लाह भाइयों को वो भी गाइड कर दूंगा, ठीक है? बादाम की खल आपने 2 कप ले लेनी है, ठीक है? 2 कप बादाम की खल होगी, ठीक है? 2 कप। इसके बाद जो भी चीज है देसी आटा, जो गंदम होती है ना, गेहूं, हिंदी में गेहूं बोलते हैं आप इसको, जो स्पेशल दाने को बना के उसको बनाई जाती है, ये आपने 1 कप लेनी है, ठीक है? 1 कप। इसके बाद आपने लेना मकई का आटा, मकई का आटा आप सफेद ले लें या पीला ले लें, जो भी आपको अवेलेबल हो आसानी के साथ वो ले सकते हैं, कोई इसमें हर्ज नहीं है। मुझे व्हाइट मिला तो मैंने कहा चले व्हाइट ही में कर लेता हूं। ये भी हम 1 कप लेंगे, ठीक है? इसके बाद जो चौथे नंबर पे चीज आ रही है वो आपने इसमें कोई फीड ऐड नहीं करनी, ठीक है? दलिया, जो कॉर्न होता है ना मकई, ठीक है, इसके दानों को क्रश करेंगे तो दलिया बनेगा। दलिया इतना बनाना है कि दाने का काफी सारा मिक्सचर हो जाए। ये आपने लेना 1/2 कप, ठीक है? ये दलिया है, ये चेक करें आप, ठीक है? ये दलिया बन गया, ये देखें, ये इस तरह के दाने बन जाएंगे, ठीक है? ये आपने 1/2 कप लेना है। इसके बाद जो आगे की चीज है वो है शक्कर, ठीक है? जो गुड़ की शक्कर होती है, सिंपल शक्कर,
शक्कर भी आपने आधा कप लेनी है, ठीक है। बाकी मैं सात चीजें बता रहा हूँ, लेकिन साथ में इंशाल्लाह पिक्चर भी अपलोड कर दूंगा कि मेरे भाई को भी चीज की जिसको समझ नहीं आती वो आसानी के साथ समझ लें। इसके बाद जो अगली चीज है वो है चोकर, भूसा भी बोला जाता है इसको, गेहूं, गेहूं का भूसा, ठीक है। चूरा भी बोला जाता है, गेहूं का चूरा हिंदी में, और उर्दू में हम इसको चोकर बोलते हैं, जो कि गंदम का जब दाने को क्रश किया जाता है आटा निकला था तो आटे के बाद जो छिलका बचता है उसको चोकर बोलते हैं, ठीक है। पिक्चर इंशाल्लाह मैं एक एक करके अपलोड कर दूंगा, साथ ये भी आधा कप लेना आपने। साथ साथ क्वांटिटी में इसलिए बता रहा हूँ कि आप भाइयों को साथ साथ समझ आ जाए चीज की। मैं जितनी क्वांटिटी बता रहा हूँ, अगर आप ज्यादा बनाना चाहते हैं तो इन चीजों को डबल कर लें, ठीक है। इसके बाद जो आगे की चीज है वो है बुने हुए चने, ग्राम, ठीक है, ग्राम, रोस्टेड ग्राम। आप सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा, बुने हुए चने होते हैं ब्लैक कलर की, ये पिक्चर आ गई है, इसको इसको हमने ग्राइंड कर लिया है, ये भी आपने आधा कप लेनी है। अब इसमें एक चीज बहुत जरूरी है, कई बंदे होते हैं जो काफी सेंस वगैरह यूज करते हैं, हम इसमें कोई सेंस नहीं यूज करेंगे, हमेशा कोशिश करें नेचुरल चीज यूज करें, ठीक है। अब जो आखिरी चीज इसमें मैं ऐड करूं वो है ड्राई मिल्क, ठीक है, सूखा दूध होता है ना, कोई भी आप किसी भी कंपनी का ले लें, इट्स ओके, ड्राई मिल्क, ये भी आपने इसमें आधा कप यूज करना है, ड्राई मिल्क, ठीक है। ये देखें सूखा दूध, ये बिल्कुल व्हाइट होता है, ठीक है जी। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। वैसे कोई बर्तन शर्तन भी यूज करते हैं, लेकिन मैंने कहा कोई आपको शीशे के ऊपर वाजिया मिक्स करके दिखाएं, ताकि आप भाइयों को अच्छे तरीके से समझ आ सके वीडियो की। कोई भी वीडियो है या कोई भी चीज देखते हैं प्रॉपर देखा करें, मुकम्मल देखा करें, क्वांटिटी बहुत जरूरी है। कोई भी चीज है, क्वांटिटी अगर आपकी परफेक्ट है, आपका हाथ बिठाना बहुत जरूरी है इसके ऊपर, ये सर्दी के लिए बहुत ही परफेक्ट वेट है, और अभी सीजन स्टार्ट हो गया तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट होगा इसका। अब यूज करें इंशाल्लाह, भाइयों को अल्लाह कामयाब करेगा। बाकी मेहनत बहुत जरूरी है, कोई भी चीज होती है वो परफेक्ट नहीं होती है, आपको परफेक्ट बनाना पड़ता है उसको। एक ध्यान करना आपने, बिल्कुल इसको मिक्स करना आपने, ठीक है, ठीक है जी। हमारा जो बेट है वो बिल्कुल मिक्स हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप, अच्छे तरीके के साथ मिक्स हो चुकी है, कलर इसका बहुत प्यारा है, और इसकी खुशबू जो नेचुरल खुशबू होती है, जिस तरह बादाम की खाल इसमें यूज की है हमने, उसकी एक अपनी खुशबू है माशाल्लाह जबरदस्त। उसके बाद इसमें हमने जो चने भुने हुए यूज कर रहे हैं उसकी अपनी खुशबू है, जो गेहूं है उसकी अपनी खुशबू है, गंदम का आटा उसकी अपनी खुशबू है, मतलब कि जितनी भी चीजें हम यूज कर रहे हैं सब नेचुरल यूज कर रहे हैं, ठीक है। दूध जो सूखा दूध है, सूखा मिल्क, ड्राई मिल्क, वो इसलिए यूज कर रहे हैं कि उसकी अट्रैक्शन बहुत जबरदस्त है। पानी में जब आपकी बेट चली जाती है उसके बाद उसमें से लहरें निकलती हैं व्हाइट कलर की, जो कि मच्छी को बहुत अच्छी अट्रैक्शन मिलती है, ठीक है। चले अब बनाना इसको किस तरह, ये मेन चीज है, अब वो आपको बताते हैं। अच्छा जी, बाकी ये बनाना किस चीज में है वो भी बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। आपको चाहिए ब्रेड, किसी भी स्टोर से ब्रेड ले लें, इस ब्रेड को आपने मैश करके अच्छे तरीके के साथ, उसके बाद इसको पानी में भगोना है आपने, ठीक है। मैं वो भी भगोई हुई है मैंने, वो भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। अच्छा जी, ये ब्रेड को हमने क्रश कर लिया, ठीक है, अब इसमें हम पानी डालेंगे, पानी हसबे ज़रूर डालें, ज़्यादा पानी ना डालें, कम डालेंगे तो चलो समझ आती है, बाद में अगर ज़्यादा हो गया तो बंदा और डाल सकता है, पर ज़्यादा हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाती है, ठीक है। ये हमने जो ब्रेड आपको शो की है वो ब्रेड हमने पानी में भिगो दी है, अब हम इसको बनाते हैं, ठीक है, ठीक है जी। ये जो ब्रेड हमने भिगोई हुई है, ये ब्रेड, ठीक है, ये ब्रेड आ गई है, इस ब्रेड को हमने इसके ऊपर, सबसे मेन चीज होता है तरीका,
कई भाई ऐसे भी होते हैं जो वीडियो को स्किप करके देखते रहते हैं, समझ नहीं आती। तो अभी तक तो माशाल्लाह मैंने जितनी भी बेट्स अभी तक शेयर की हैं भाइयों के साथ, फीडर बेट शेयर की, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया मुझे। ग्राउंड बेट की वीडियो डाली चारे की, उसका भी आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। तो मैं फिर इस बार मैंने कहा आपके लिए कुछ स्पेशल बेट में लाऊं जो आप यूज़ करें और अल्लाह कामयाब करेगा आपको। ठीक है, ये देखें अब इसको हमने इसमें बनाना है। ठीक है, इसमें हमने कोई एक्स्ट्रा चीज़ और यूज़ नहीं करनी। इसमें हमने पानी नहीं एक्स्ट्रा यूज़ करना, जितना भी बनाना है ना हमने इसी में बनाना, क्योंकि शक्कर भी इसमें ऐड है, शक्कर भी अपना पानी छोड़ती है। जब आप इसमें ब्रेड को भिगोएंगे और फिर जो खुशबू आएगी इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। इसमें कोई भी आपने एक्स्ट्रा सेंस या कोई भी खुशबू ऐड नहीं करनी, इसकी नेचुरल जो खुशबू है वो बहुत प्यारी है। कई भाई मेरे थोड़े बोर हो जाते हैं, वीडियो को तो स्किप करते हैं। ठीक है जी, ये आटा हमारा माशाल्लाह काफ़ी हद तक रेडी हो गया। देखिए इसको अब जितना मिक्स करेंगे उतना ज़बरदस्त है ये। ठीक है, ये देखिए अब इसको आप जितना रगड़ा लगाएंगे, मिसाल के तौर पर थोड़ा सा इस तरह ले लें, उसको हाथ से भी मसल सकते हैं, इसको पूरे को भी रगड़ा दें अच्छे तरीके से। ठीक है, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ तैयार होती है। ठीक है, मिसाल है ऐसे कोई भी चीज़ है, इसको अच्छे तरीके के साथ इस तरह रगड़ा देंगे, इस तरह रगड़ाई करेंगे तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ बन जाएगी। पानी इतना ज़्यादा ना डालें कि ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा नरम हो जाए, बस हसबे ज़रूरत डालें। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये यूज़ कैसे करना है। ठीक है जी, ये देखें आप जिस तरह भी यूज़ करना चाहते हैं, इसको चार हुक्स वाला ले लें, पाँच हुक्स वाला, जो भी आपको पसंद है। ठीक है, इस तरह इसको मिडिल में रखें, हुक्स को चार कोनों से लगाएं, हर कोना आउटसाइड पे रखें हुक का। हर बंदे की अपनी चॉइस है जी, कोई सिक्स हुक यूज़ करता है, कोई फोर हुक्स यूज़ करता है। इस तरह चारों तरफ लगा के एंड पे इसको इस तरह आपने सेटिंग कर लेनी है, जिस तरीके से भी बनाना चाहिए, हर बंदे का बनाने का एक अपना तरीका है। ये जी चीज़, ठीक है, ठीक है जी, रेडी हो गया। बाकी मैं क्वांटिटी तो आपको बता दी है, एक एक चीज़ बताई है। जिस भाई को फिर भी समझ ना आए, वीडियो को मुकम्मल तरीके से देखें, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप भाई कामयाब होंगे, अच्छे तरीके से बनाएं बेट। ये किस्म का मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, जो कि वीडियो मेरी माशाल्लाह चारे की वीडियो 1,00,000+ वॉच हो गई है और माशाल्लाह बहुत अच्छा और अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। नेगेटिव कॉमेंट्स कोई भी नहीं है, सब पॉजिटिव कॉमेंट है, और यही एक चीज़ होती है एक कामयाब यूट्यूबर की, या लोग आपको पसंद करते हैं। तो ये समझ लें कि मेरी तरफ से आप भाइयों के लिए गिफ्ट है ये बेट। नेचुरल चीज़ें हैं सारी, कोई भी फेक चीज़ नहीं है। जो क्वांटिटी बताई है इसको चेंज ना करें, इसी में बनाएं, अल्लाह कामयाब करेगा आपको। ये तरबेला में यूज़ करें, मंगला में यूज़ करें, हम मंगला में यूज़ करते हैं, ज़बरदस्त रिजल्ट है इसका। बाकी आपको पता है पाकिस्तान में मंगला वाहिद एक डैम है, जो चीज़ मंगला में कामयाब हो गई है ना वो पाकिस्तान के हर डैम में कामयाब होती है, क्योंकि मंगला सबसे मुश्किल डैम है पाकिस्तान का और सबसे बड़ा भी है, तो हर किस्म की मछली पाई जाती है यहाँ पे, तो मंगला का शिकार बहुत हार्ड है। बाकी माशाल्लाह अल्लाह सब भाइयों को कामयाब करें, खुश रखें, अपना ख्याल रखें और अपने चैनल का भी ख्याल रखें। ठीक है, बाकी कोई भी चीज़ हो तो मुझे व्हाट्सअप पे आप वॉइस कर दिया करें, तो इंशाल्लाह भाई उससे प्रॉपर बात होगी। ठीक है, बाकी मुझे ये भी बता दें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आपको, फिर उसके मुताबिक आपको वीडियो लगा देंगे। ठीक है, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।